नमस्कार दोस्तों, चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक बार मुझे एक काम से बड़ौदा शहर जाना पड़ा। वहाँ पर मुझे एक जयेश पटेल नाम के अमीर इंसान की सक्सेस स्टोरी कवर करना था। मैं उनसे मिला और उनकी गरीबी से अमीरी तक की, स्ट्रगल से सक्सेस तक की यात्रा पूरी सुनी। अंत में मैंने उनको पूछा कि आप अपनी सफलता का सबसे बड़ा कारण किसको मानते हैं, किसको श्रेय देते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, अपने पिता को। मैंने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि उन्होंने आपको कौन सी शिक्षा दी जिसके कारण आप उनको अपनी सफलता का कारण मानते हैं? तो उन्होंने कहा, वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी और अपनी वो सारी कमाई शराब में उड़ा देते थे और हम सब बहुत परेशान रहते थे। उन परेशानी के दिनों में मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं मेरे पिता जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा। दोस्तों, अगली लाइन पर आप ध्यान दीजिए। वो बताते हैं कि जितना ज़्यादा उन्होंने मेरी माँ को परेशान किया, जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ती गई, उतना मैं अपने संकल्प को और मजबूत बनाता गया। इसके बाद मैंने उनको उनके परिवारजनों के बारे में पूछा तो पता चला कि उनके परिवार में दो बच्चे, पत्नी और बड़े भाई भाभी रहते हैं। तो मैंने उनको पूछा, आपके भाई कौन सा बिज़नेस करते हैं? तो उन्होंने मुझे बोला कि वह बिज़नेस नहीं करते हैं, वह एक स्कूल में जॉब करते हैं। और उनके चेहरे का हाव भाव देखकर मैंने इस बारे में आगे कुछ नहीं पूछा, परंतु मैं उत्सुक था जानने के लिए। तो बाहर निकलकर बातों बातों में मैंने वॉचमैन को पूछा और स्कूल वगैरह का नाम की जानकारी ले ली। इतने बड़े बिजनेसमैन का भाई एक स्कूल का पियून, यह उत्सुकता मुझे स्कूल तक ले गई। वहाँ मैं उनसे मिला और किसी बहाने से बातचीत भी की। बातों बातों में पता चला वह तो अपने बड़े भाई से पूरे उल्टे हैं, अपनी गरीबी से दुखी और शराब पीते हैं, घर का माहौल ठीक नहीं है। तो मैंने उनको पूछा, आप अपने ऐसे हालातों के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? तो उन्होंने वही जवाब दिया जो उनके बड़े भाई ने दिया था कि वो अपने पिता को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। वह बोलते हैं, मेरे पिता अगर शराबी ना होते तो शायद मैं भी इस हालात में ना होता। मेरे पिता ने हमारी परवरिश पर अगर ध्यान दिया होता तो शायद मैं भी कुछ अच्छी पोजीशन में होता। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी सुनकर आप समझ गए होंगे कि हमारे विचार, हमारे सोचने का तरीका किस प्रकार हमारे चरित्र और हमारी परिस्थितियों पर प्रभाव डालता है, किस प्रकार हम अपने विचारों द्वारा अपनी पूरी लाइफ बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने विचारों से अपने चरित्र को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। हमने दोनों भाइयों का अलग अलग चरित्र निर्माण होते हुए देखा। दूसरी सीख यह मिलती है कि व्यक्ति चाहे तो अपने विचारों की शक्ति यूज करके अपनी परिस्थितियों को पूरी तरीके से बदल सकता है, जैसा बड़े भाई ने अपनी परिस्थितियां बदल ली। तीसरी लर्निंग इस स्टोरी में यह है कि व्यक्ति के जीवन में अगर कोई बड़ा उद्देश्य हो तो व्यक्ति को छोटी मोटी परेशानियां दिखाई नहीं देती हैं। जैसे बड़े भाई ने अपने जीवन में अमीर बनने का एक उद्देश्य ले लिया था, उसके सफर में गरीबी से अमीरी तक बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने उस लक्ष्य को और ज़्यादा मजबूत बनाया। जितनी ज़्यादा परेशानियाँ उन्होंने झेली, उतना उनका संकल्प और मजबूत हो गया। अगर आपको याद होगा तो वह स्टोरी जब हम सुन रहे थे तब वो बता रहे थे कि जितनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती गई, मैं अपने संकल्प को उतना ज़्यादा मजबूत बनाता गया। नेक्स्ट लर्निंग हमको यह मिलती है दोस्तों कि मनुष्य स्वयं ही अपने जीवन के फेलियर और अपनी सक्सेस का मालिक होता है। वह जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। बड़े भाई ने अपने विचारों द्वारा सफलता हासिल की, दूसरे भाई ने अपने हालात के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर सिर्फ फेलियर, दुख और गरीबी ही पाई। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि लक, कोइंसिडेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपको जो व्यक्ति आज सक्सेसफुल दिख रहा है, वह तो वह सपना है जो बरसों पहले देखा गया था। वह तो वह मेहनत है जो आज रंग लाई है। वह तो वह विचार है जो आज पूरा हुआ है। आप जितने अपनी सक्सेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, उतने ही आप अपनी फेलियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हर किसी को यह पावर मिली हुई है कि वह अपनी लाइफ में
हाईएस्ट सक्सेस वह स्पिरिचुअलिटी के हाईएस्ट गोल अचीव कर सकता है। इसके लिए हमेशा अपने थॉट्स को चेक करते रहो, बिल्कुल भी नेगेटिविटी मत आने दो। जिस प्रकार एक माली अपने गार्डन की देखभाल करता है और उसमें से खराब घास फूस उखाड़ता रहता है, इसी प्रकार आपको भी अपने मन रूपी गार्डन की देखभाल करनी है। दोस्तों, आज जो स्टोरी की लर्निंग्स मैंने आपको बताई, वह मैंने जेम्स एलन द्वारा लिखित बुक एज अ मैन थिंकेथ से ली है। आप अगर इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में पूरा सुनना चाहते हैं तो इस चैनल पर वह भी अवेलेबल है, आप उसको भी ज़रूर सुनिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह बुक, यह लर्निंग पसंद आई होगी और अब आप डेली अपनी लाइफ में अपने थॉट्स पर वैसे ही ध्यान देंगे जैसे आप अपने बिजनेस, अपने परिवार, अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ पर देते हैं। और अगर आपको यह बुक परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह लिंक भी दिया है, यह बुक ज़रूर परचेस कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए यूज़फुल टॉपिक के साथ में। थैंक यू।